राधिका सक्सेना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से मिश्र पहुंच गए हैं, लेकिन अमेरिकी कांग्रेस में जो उनका जोरदार स्वागत हुआ है उसकी झलकियां दिखाना भी जरूरी है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से बड़ी ही दिलदहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक भाई ने दूल्हा दुल्हन समेत 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो आइए इसी के साथ रूबरू होते हैं कुछ खास समाचारों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करने के लिए पहुंचे तो वहां के सीनेटर सहित मंत्रिमंडल के सदस्यों ने खड़े होकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान लोग पीएम मोदी से मिलने और हाथ मिलाने के लिए आतुर दिखे। मैनपुरी जनपद के असरा गांव में सुभाष चंद्र यादव के बेटे ने ऐसा नरसंहार किया जिसे सुनकर लोगों का कलेजा दहल गया। आपको बता दें, सुभाष यादव के छोटे बेटे सोनू की बारात दुल्हन के साथ वापस घर आई, हंसी खुशी का माहौल था। रात में लोग खाना खाकर सो गए। छत पर दूल्हा सोनू, नवविवाहिता सोनी, सोनू का भाई भुल्लन, बहनोई सौरभ, सोनू का दोस्त फिरोजाबाद निवासी दीपक सो रहे थे। इसी बीच सुभाष यादव का बड़ा बेटा शिवीर छत पर गया और फरसे से सो रहे लोगों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। किसी का गला कटा तो किसी का चेहरा। सुभाष यादव ने बताया कि शिवीर ने सबसे पहले नवविवाहिता के चेहरे पर वार किया, उसके बाद पास में लेटे अपने छोटे भाई सोनू, जिसकी बारात बिदा करा कर वो आया था, उसी का गला काट दिया। छत पर बहनोई सहित 5 लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद हत्यारा सुवीर नीचे आया और अपनी पत्नी तथा मामी को भी फरसे से काट दिया। उसके बाद तमंचे से उसने स्वयं अपने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। परिजनों का कहना है कि सुवीर ने रात में सभी को कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी, शायद उसमें कोई नशीला पदार्थ मिला दिया था जिससे सारे लोग उठकर भाग नहीं पाए। फिलहाल मौके पर एसपी और आईजी भी पहुंच गए हैं और पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। सुवीर सहित 8 लोगों की लाश मौके से बरामद हुई है। पूरे घर पे चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ है, जिसे देखकर लोगों का कलेजा मुकवा रहा है। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। शाहजहांपुर में थाना समाधान दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें थाना सिंधौली में डीएम उमेश प्रताप सिंह व पुआया में एडीएम त्रिभुवन ने जन सुनवाई की। डीएम ने लेखपाल के विलम्ब से आने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया। जिला अधिकारी ने थाना सिंधौली का भी निरीक्षण किया। उन्होंने मेस हवालात व कार्यालय का निरीक्षण किया। वहीं एडीएम त्रिभुवन लेखपाल राजीव के बार बार अनुपस्थित होने से नाराज हुए और उन्होंने उसके निलंबन का आदेश जारी किया। एडीएम ने थाना पुआया में अभिलेखों का निरीक्षण किया।